आपने किसी को चोर कहा है तो आपको ये प्रमाण करना पड़ेगा कि वो चोर हैं। हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 39 के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के समर्थक आज जोरासांको थाना के सामने डेपुटेशन देने आए हुए हैं। आपको बता दें ये डेपुटेशन 39 नंबर वार्ड के रहने वाले शमशाद के खिलाफ है। शमशाद कुछ महीनों से और जसीमुद्दीन के खिलाफ पर्सनल अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा बैतुल माल जो अदारा है उसके खिलाफ और उसके अरकान के खिलाफ भी ऑल बहुत सारी बातें ऑल फॉल कही है, जिसके मुखालफत में आज जसीमुद्दीन और तृणमूल शर्मा और बैतुल माल के बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इसको डेपुटेशन है कि आज जो है जिस तरह का नफरत और इश्तियाल अंगेजी कर रहा है शमशाद, शमशाद कंटिन्यूअसली मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद कौन शमशाद, अपने आप को कांग्रेसी कहता है और वो मंच लगा के जहर फैला रहा है और जिस तरह से कर रहा है तमाम एविडेंस लेकर के, तमाम शहादत लेकर के, जो गैर कानूनी है, जो गैर दस्तूरी है, जो गैर जमहूरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आप जो चाहे वो नहीं बोल सकते हैं वगैरह वगैरह। हम लोग आरोप लगाया उन्होंने, हम अभी इसके अभी हम थाना जा रहे हैं और आज जो ये थाना में डेपुटेशन है हमारे यहाँ 39 वार्ड में जो डेपुटेशन आज दिया जा रहा है 11 संगठन की तरफ से दिया जा रहा है, वो मैं तफसीली आप बड़ा बाबू को पहले अर्ज 10 दे के आ रहा हूँ, उसके बाद तारीख डिटेल्स बताऊंगा। और मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा बारिश हो जो भी हो सारे लोग उधर फुट उधर हो जाएंगे और सभी लोग रहेंगे। और जो डेलीगेशन है, जो डेलीगेशन जाएगा, मैं इमरान जो डेलीगेशन जाएगा हर संगठन के प्रेसिडेंट जाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं जाएगा। हर संगठन के जो प्रेसिडेंट है जो हमारा तृणमूल 39 वार्ड तृणमूल कांग्रेस उसके डेलीगेशन है, हमारे यहाँ जो तृणमूल महिला कांग्रेस, तृणमूल यूथ कांग्रेस, तृणमूल छात्र परिषद, हमारे यहाँ तृणमूल शेड्यूल कास्ट जो सेल है, एससी सेल, माइनॉरिटी सेल, स्पोर्ट्स सेल और जय हिंद वाहिनी जो हमारा संगठन है, स्पोर्ट्स सेल और हिंदी सेल, एससी सेल, स्पोर्ट्स सेल, माइनॉरिटी सेल, ओबीसी सेल, 11 डिपुटेशन आज हम लोग यहाँ पर जमा देंगे और तमाम दस्तावेज के साथ कि ये जो शमशाद है ये गैर कानूनी तरीके से जो जी में आ रहा है कह रहा है, जो कि गैर दस्तूरी है, गैर जमहूरी है और जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मतलब बड़ा सुटेबल है इस सवाल का कि सब्र का पैमाना अगर लेवरेज हो जाए तो एकदम करना पड़ता है। अब सब्र का पैमाना लेवरेज हो गया। हाँ, तो आपने जो जोड़ा साहब स्टेशन में दिया किस वजह कर दिया ये बताएं, कौन सी तारीख के लिए दिया है? हम लोगों ने जोड़ाशाकु थाना के बड़ा बाबू को कहा था कि हम लोग एक मिचिल करेंगे इलाके में अमन व अमान को कायम दायम रखने के लिए, इश्तियाल अंगेजी, नाजेबा बयानी, झूठ गुमराह कन जो बातें मोहम्मद शमशाद जो कर रहा है, सिर्फ हम लोगों के खिलाफ नहीं कर रहा है बल्कि आप भी देखे होंगे कलकत्ता के कई शख्सियत के बारे में भी ऐसी लैंग्वेज, तो ये हमारे जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है। तो हम लोग ऑलरेडी कई FIR हो चुका है पर हम लोग बड़ा बाबू के पास आए थे कि हम लोग एक मिचिल करेंगे इलाके में, मिचिल करेंगे और एक डिपोटेशन हम लोग देंगे। डिपोटेशन में क्या मुतालबा किया? डिपोटेशन में हम लोगों ने बस यही बात कही है कि कानून के दायरे में, कानूनी नुक्ते नज़र से और दस्तूर हिंद के जो अधिकार है, हकूक है, उस हकूक के पेशे मंजर में हर आदमी को बोलने की आज़ादी है, पर वो बात ना बोली जाए जिससे नफरत इश्तियाल पैदा हो, तशद्दुद भरा, नफरत भरा, इश्तियाल भरा, हेट स्पीच आप नहीं कर सकते हैं। बड़ो बाबू बोले चेन आमरा आईनगत भावे अपनारा जे भावे आमादेर के जदि केउ बोले थाके तार जदि कोनो एविडेंस थाके आपनी जोड़ाशाकु थानाते देबेन, आपनी FIR करबेन, चार सम्पर्के एमन एकटा कथा बोलबे जेटा आईने बिरुद्धे, যেটা কনস্টিটিউশনের বিরুদ্ধে, সেই কথাগুলো বলবেন। এমন হচ্ছে যারা ভাষণ দেন তারা অনেক কথা অনেক কিছু বলেন, আমাদের পুলিশকেও অনেক কিছু শুনতে হয়, আপনারা ধৈর্য রাখবেন, আপনারা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন, সরকারের উপর, পুলিশের উপর, প্রশাসনের উপর আস্থা রাখবেন। আমরা তাই বলেছি যে দেখুন এতভাবে ও যেভাবে বলে আমরা তো গিয়ে সেখানে আমরা প্রতিবাদ করলে এটা ঝুট ঝামেলা হবে, তাই আমরা আপনাদের কাছে আসবো, আপনাদের টাইম টু টাইম আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো।
আমাদেরকে বলেছেন যে ঠিক আছে আপনারা এইভাবে এসছেন, এইভাবে না আসলেও হতো, আপনারা যতবার এই ধরনের কোনো মন্তব্য করে যাতে আইন শৃঙ্খলাটা নষ্ট হয় তাহলে আপনারা থানাতে এফআইআর করবেন, আমরা আইনগতভাবে আমাদের কাছে এভিডেন্স দেবেন এবং এভিডেন্স দেখে কনস্টিটিউশনের যে গাইডলাইন আছে আমাদের, আমাদের সংবিধানের যে গাইডলাইনটা আছে যে কীভাবে কী বললে কীভাবে কী বেআইনি সেইভাবে আমরা 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 ওইভাবে এফআইআর করব। আর তাছাড়া উনি বলেছেন যে আপনারা এখানেও করুন আর আপনাদের কাছেও আমাদের বলেছেন যে আপনি এটাও করুন আর আপনি তো মানহানি করতে পারেন, আপনি কোর্টেও যেতে পারেন, মানহানি করতে পারেন। আমরা বললাম অবশ্যই অবশ্যই আমরা যাব, আমরা আজকে এখানে এসছি মানুষের কাছেও বলছি, সবাই জানে কলাবাগানে প্রত্যেকটি মানুষ জানে যেইভাবে সমস্যা যে শব্দগুলো ব্যবহার করে আর থাকা যাচ্ছে না। आप जानते हैं कि वो तफ्तीश का मामला है, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें बोलने से मैं अगर तकरीर कर रहा हूँ और हजार हजार लोग हमारे सुन रहे हैं तो मेरा ये ख्याल होना चाहिए कि वो हजारों लोगों की दिल आजारी ना हो, ये भी मेरा ख्याल है। और आज तो सोशल मीडिया है, अगर आप एक बात कह रहे हो, आज मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, मुझे मालूम है कि जो मैं अभी आपके यहाँ पर कह रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पर 100-200 लोग हैं, लेकिन मैं ये बात बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सक रहा हूँ कि अभी हजारों लोग आपके जरिया मेरी बातें सुन रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ कोई नाजेबा बात कहता हूँ और ऐसी बात करता हूँ जो गैर जमहूरी है, जो गैर दस्तूरी है, अगर मैं कहता हूँ तो हजारों लोग की दिल आजार होती है। तो हमारे दस्तूर में किसी का आप जो है दिल आजार नहीं कर सकते। जसीम साहब, मोहम्मद शमसाद के खिलाफ आपने जो 30 तारीख का जो मंच पे उन्होंने कहा उसका आपने यहाँ पे ये दर्ज किया है लगातार, उससे पहले कबल जो किया लगातार 30 तारीख का मंच नहीं, लगातार गंदगी फैला रहा है, बरसों बरस से गंदगी फैल। अब आपको एक टर्म क्या मिसाल दे, मुझे एक बात और आपने कहा कि ये जो है वार्ड नंबर 39 को भी कह रहा है और दूसरे वार्ड के लोगों को भी। आपने देखा ना, क्या आप डेकोरेटर वाला जो बात हुई थी उसमें भी आप इसके बात लेकर आप कह रहे हैं? अरे बात आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अभी गुस्ताखे रसूल नूपुर शर्मा के खिलाफ पाक सर्कस मैदान में जो तमाम मुसलमान इकट्ठा हुए थे उसमें वो पिंडाल वंडाल बनाए थे, वो उसमें भी वो पैसे लेकर के जो लोग वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए थे उल्मा के तरफ से पाक सर्कस में वो प्रोग्राम हुई थी, डेकोरेटर का पैसा नहीं दिया था उस मसले पे बात तो, तो अगर डेकोरेटर के लेकर के भी फॉल्स डायरी थी, अभी तो बातें सामने आ रही हैं कि फॉल्स डायरी क्या उल्मा के खिलाफ में, तो वो यहाँ पर 41 में हमारे मरहूम हाजी ताज 2002 में उनका इंतकाल हुआ था। स्पेसिफिक किसी मेरा स्पेसिफिक कहना है कि मुझे बोलने की आज़ादी है लेकिन नाजेबा बातें बोलने की आज़ादी नहीं है। मैं किसी को शहादत के बिना चोर नहीं कह सकता, ये नोट कर लीजिए आप। अगर आपने किसी को चोर कहा है तो आपको ये प्रमाण करना पड़ेगा कि वो चोर हैं। हर इंसान की एक इज्जत है, हमारे देश में बोलने की आज़ादी है तो हमारी इज्जत की भी आज़ादी है। जसीम ने कत्ल किया 1990 में, नवाब हुसैन का कत्ल जसीमुद्दीन ने किया, आप कह रहे कि मेरा अधिकार है बोलने का, तो मेरा भी अधिकार है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि नवाब हुसैन का कत्ल मैं हूं, मेरी इज्जत है ना, मेरी इज्जत है। आज जो लोग वहां पर बोल रहे हैं वो तो कलकत्ता में लाखों लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, वो तो हमसे पूछते हैं ना कि क्या नवाब का कातिल हो आप, आपने नवाब का कत्ल किया है, तो मैं तो आज आऊंगा ना बड़ा बाबू को कहूंगा ना कि उनसे आप बुला के पूछिए, और मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं कि नवाब का कातिल मैं हूं। 1995 में जो कल्लू कत्ल हुआ था, मोहम्मद कल्लू का कत्ल हुआ था, वो कहता है 1995 में वो कहता है मैंने कत्ल कराया था। हमारे मेयर के बारे में, हमारे अभिषेक बनर्जी के बारे में, हमारे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में, मैं कहता हूँ जमहूरियत में तनकीद करना, क्रिटिसाइज करना हर एक इंसान का हक है। इंडिया आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।